ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कानपुर शूटआउट के मोस्ट वांटेड विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से किया गया गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने महाकालेश्वर मंदिर की कटाई पर्ची और उसके बाद खुद ही कर दिया सरेंडर। फिलहाल यूपी पुलिस ने की विकास दुबे की गिरफ्तारी की पुष्टि। विकास दुबे ने खुद ही स्थानीय मीडिया को दी सरेंडर करने की जानकारी। एनकाउंटर के डर से सबका ध्यान दिल्ली नोएडा पर लगाकर उज्जैन महाकाल मंदिर के बाहर किया सरेंडर। उत्तर कश्मीर के वसीम बारी की हत्या पर पीएम मोदी ने फोन कर जताया शोक। बुधवार रात आतंकवादियों ने बीजेपी नेता वसीम अहमद बारी, उनके पिता और भाई की कर दी थी गोली मारकर हत्या। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जताया दुख, कहा वसीम बारी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नेता की सुरक्षा में कथित लापरवाही के मामले में 7 पुलिसकर्मियों को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के खदानों में यौन शोषण को लेकर राहुल गांधी ने फिर साधा सरकार पर निशाना। ट्वीट कर कहा, अनियोजित लॉकडाउन में भूख से मरता परिवार, इन बच्चियों ने जिंदा रहने की ये भयावह कीमत चुकाई है। क्या यही है हमारे सपनों का भारत? बता दें, चित्रकूट में पुलिस की नाक के नीचे महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का चल रहा था नेटवर्क। कोरोना संकट के बीच चित्रकूट में अवैध खनन के गोरख धंधे में चंद रुपयों की मजदूरी पाने के लिए नाबालिग लड़कियों को जिस्म का सौदा करने पर किया जा रहा है मजबूर। हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाला कलाकार आखिर में रुला कर चला गया अपने फैंस को। बॉलीवुड के जाने माने कॉमेडियन और एक्टर जगदीप 81 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को कह गए अलविदा। अब से कुछ देर बाद दक्षिण मुंबई के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा जगदीप उर्फ सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी को। देश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक झज्जर, फतेहाबाद, मथुरा, रोहतक, हाथरस समेत कई जगहों पर तेज आंधी के साथ हो सकती है बारिश। वहीं ईस्ट यूपी और बिहार के ज्यादातर इलाकों में 10 से 12 जुलाई के बीच भारी बारिश की संभावना। दिल्ली में भी अगले 3 से 4 दिन में गरजेंगे बादल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।